लॉकडाउन और नारी की भूमिका। दूध लाना था, मैंने कहा एटीएम से पैसे निकाल कर लाता हूँ। इतना सुनते ही एक आवाज आई, रुक जाओ। 500 का नोट देते हुए बोली, ये मेरे हैं, बस इतने ही है, इसे ले जाओ। पर एटीएम मत जाओ, बहुतों ने उसकी बटन दबाई होगी, तुम बचो। दूसरे दिन फिर कुछ जरूरत आन पड़ी, फिर 2000 का नोट देते हुए बोली, ये मेरे हैं, बस इतने ही है, एटीएम मत जाना। लॉकडाउन के शुरुआत से यह क्रम रोज चल रहा, रोज नई पोर्टली खुल रही, एटीएम जाने से रोक रही है, सामान बाहर ही धरवा रही, बाहर ही नहलवा रही है, जाने कौन से खजाने से पैसे निकाले जा रही है, पैसे मेरे हैं, इतने ही हैं कहकर मुझे देते जा रही है। ये भारत की बेटी, ये भारत के ही संस्कार, आज समझ आया, घर खर्च में से पैसे को बचा कर जिस तिजोरी में धरती रही, वो तिजोरी आज काम आ रही है, जो हर घर में लापरवाहों को भीड़ में जाने से बचा रही है। इस भूमिका को पूरे देश में माँ, पत्नी, भाभी, बहन, बेटी बखूबी निभा रही है। कोई बालकनी में खड़ा है, कोई टीवी वाले कमरे में पड़ा है, कोई अपने मोबाइल में व्यस्त है, थोड़ी थोड़ी देर में हर कोई अपनी जगह बदल रहा है, लेकिन एक शख्स है जिसकी जगह नहीं बदलती है। वो रसोई से बार बार आवाज दे रही है, क्या बनाना है, क्या खाओगे, मीठा या तीखा। शायद आज उनकी वजह से ही लॉकडाउन सफल हो रहा है। सभी महिलाओं को समर्पित।